बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर जी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह करीम सलामत रखे आपको। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू एक अच्छी बात से। वो अच्छी बात यह है कि बदला लेने से पहले ये ज़रूर देख लिया करो कि तुम अपने खुदा के नज़दीक कितने कसूरवार हो। जब ये बात समझ आ जाएगी ना किसी दिन, तो मेरे ख्याल में किसी हम बदला नहीं लेंगे। तो किसी को माफ़ कर देना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो बदला ना लें, मेरे ख्याल में माफ़ कर दें तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये वाला एक चूल्हा हमने बनवाया है जो कि काले तेल से चलता है, जो यूज़ मोबाइल ऑयल जिसे कहते हैं, गाड़ियों में होता है, मोटरसाइकिल में भी यूज़ होता है, उसी से चलता है। अगर अच्छा चला तो आपको दिखाएंगे। आज के दिन का सबसे पहला काम वो ये कि घर वालों ने बोला है कि अपने टाउन से कुछ सामान लेके आओ, तो सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपने टाउन से वापस आ गया था। टाउन से वापस आने के बाद जो ज़मीन की साइडें होती हैं, थोड़ी थोड़ी घास थी, उनको ख़त्म किया है। तो अभी जा रहा हूँ ट्रैक्टर लेने के लिए, हल चलाना है। डीजल जो है वो थोड़ा रह गया, और डीजल डालना पड़ेगा। ये देखें, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। पहले मैं हल चला रहा था, मुझसे इतने मज़े से हल चल नहीं रहे थे। तो अब्बू आ गए हैं, तो अब्बू ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो मैं थोड़ी जो घास है ज़मीन में, इसको बाहर फेंकूँगा। तो बीज अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाल दिया है। ये देखिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा, नहीं सही से नज़र आ रहा है। बीज जो है अल्हम्दुलिल्लाह डाल दिया, आखिरी जो हल है वो भी चला रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि हमारी फसल अच्छी होगी। हल चलाने के बाद खेत कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत से नज़र आ रहा है। तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पे हरियाली होगी, तो अभी मट्टी सारी नज़र आ रही है। तो वैसे एक बात है वो ये कि यहाँ पे जो गंदम हमने डाली है, 2 मन गंदम डाली है, तो उसके बदले में हमें 30 नहीं बल्कि 60 मन के करीब इससे औसत मिलेगी। तो ये देख लेंगे, 1 मन या 2 मन गंदम डालने से इतनी सारी मिलती है। और अल्लाह ताला के अहकाम फिर भी हम नहीं मानते। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका 20वां हिस्सा मेरे नाम पे दो, गुरबा को, मसाकिन को, लेकिन हम वो भी नहीं देते हैं, तो बरकतें कहाँ से आएंगी भाई। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमारा जो उशर बनता है तो वो हम लाजमी दिया करें, तो इससे जो फसल है उसमें बरकत होती है, माल पाक हो जाता है। तो अभी आए हैं अपने खेत में। लास्ट काम जो रहता था वो ये कि रोटर चलाना था, ट्रैक्टर किसी और खेत में मसरूफ़ था, तो वहाँ से फारिग हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे लेके आ गए हैं, तो ये काम इंशाल्लाह अभी मुकम्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं ख़त्म, इस उम्मीद के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। फ़ी अमानिल्लाह। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।